हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फिनोहॉलिक। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और कुछ इंट्राडे स्टॉक जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं धन के बारे में बताता हूँ। धन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हो। आपको मिलेंगे बहुत सारे इंडस्ट्री के बेस्ट सॉल्यूशंस लाइक GTT ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, ओके, ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, तो लेट किस बात की कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट लिंक है, अकाउंट खोलो, ट्रेड करो धन पे। चलो अब सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के लेवल्स चेक करो तो मैंने कल क्या बताया था कि ऊपर की जोन में हमारे रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद हमें इस जोन के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। ओके, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। और यहाँ पे एक देखो हमें क्या मिल रहा है, आउटसाइड बार और एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। नीचे सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद एक शूटिंग स्टार मिला, इस जोन को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे की ओर एक अच्छी। अब हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वो तो मैं बात करूंगा, सबसे पहले से 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। ओके, अगर ओवरऑल देखो तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ गैप अप, गैप अप होने के बाद इसने यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे डे हाई को ब्रेक किया। ओके, अगर यहाँ पे आप सोचो ट्रेड लेना है, ठीक है, इजिली से ट्रेड बनता है हमारा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,420 के नीचे। ट्रेड अगर आपने डे हाई का ब्रेकआउट पे लिया है तो वेल एंड गुड, और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस सीट हो जाता है। ओके, स्टॉप लॉस सीट हुआ, नो इशू। उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड मिलता है सपोर्ट जोन के नीचे। सपोर्ट जोन के नीचे यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन मिला है, ग्रीन कैंडल आया। मैंने क्या बताया था, कोई भी सपोर्ट जोन टूटे उसके नीचे क्लोजिंग में ग्रीन कैंडल का वेट करो, और उस ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनता है उसमें एंट्री लो, और हमारा स्टॉप लॉस इसके फर्स्ट प्रीवियस वाले ग्रीन कैंडल के प्रीवियस वाले कैंडल के ऊपर रखना स्टॉप लॉस। तो अगर आपने एंट्री यहाँ पे करा है 18,398 पे, और हमारा स्टॉप लॉस कितना है 426.27, बस इतना 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट एटली जो नीचे का स्विंग लो है, हमारा नीचे का स्विंग लो कौन सा, ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला जो 18,312, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हुआ। यहाँ पे मार्केट आया, फिर से हैमर बना, यहाँ पे हैमर बना। ओके, हैमर बना, हैमर बनने के बाद अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कुछ ब्रेकआउट टाइप का मिलता तो हमें ब्रेक करना चाहिए ग्रीन रेड कैंडल का ब्रेकआउट मिलने के बाद, ठीक है, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन तो यही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती नहीं है, अगर एंट्री बनती भी है तो मैंने शायद यहाँ पे मैंने बोला था, लेकिन हमें वो रेड कैंडल मिला नहीं, रेड कैंडल जो मिला नीचे की ओर मिला, यहाँ तक कोई एंट्री नहीं बनी। फिर यहाँ पे हमें एंट्री मैंने बताया था कि 18,255-260 के आसपास एंट्री लेना है। कब लेना है, अगर इसके आसपास आए और हैमर बने, क्या यहाँ पे कुछ हैमर जैसा बना, नहीं बना, एक रेड कैंडल आके नीचे इसके क्लोज किया, क्लोज किया, उसके बाद क्लोज करने के बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया क्योंकि यहाँ से प्रीवियस सेलिंग आई थी। उसके बाद मार्केट डे लो के आसपास क्लोज हुआ 18,207। अब कल इसमें क्या बनता है हमारा, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 18,420 का लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर बस क्या क्या गैप अप खुलवा के लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग दिखाया कि फंस थोड़ी सी ऊपर दिखा रहा था, फंस आ रहा था। अगर अभी सपोर्ट की बात करें तो 18,200 का लेवल हमारा, ये जो था 18,200 का लेवल, ये हमारा ब्रेक हो चुका है। 18,210-220 का जो लेवल था ये हमारा ब्रेक हो चुका है, ये वाला जोन। ओके, और हमें क्लोजिंग भी इसी के आसपास ही मिली है। तो कल अगर इसके ऊपर खुलता है गैप अप, अगर इसके ऊपर गैप अप खुले यहाँ पे आके सपोर्ट वगैरह ले, तो यहाँ पे हम बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे डबल टॉप का, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। तो हमारी जो फ्रेश बाइंग रहेगी ना वो इस जोन के बाद, अब नई बाइंग जो आएगी इस जोन के बाद ही आएगी। मतलब यहाँ पे कुछ हैमर टाइप का दिखे 18,069 के आसपास, तो हम यहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं ऊपर की ओर के लिए। ऐसे यहाँ पे हमें लॉन्ग की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, ऊपर बेचना है तो हमें इस लेवल के आसपास या 18,300 के लेवल के आसपास दिखता है तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सेलिंग की पोजीशन, यहाँ से हमें लार्ज सेलिंग आई है आज के सेशन में। ओके, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए। ओके, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था 43,350 का। ओके, बैंक निफ्टी, ओके, आजा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो ये क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया 43,500-600 के लेवल के आसपास। याद करो मैंने कल बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, आपको चार्ट तो यही होगी वीडियो में, आप देख लेना जाके। यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल पैटर्न भी मिला हमें, पाँच मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो क्या बोलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमें यहाँ सेलिंग मिली, सेलिंग मिलने के बाद डेलो ब्रेक किया, उसका डेलो ब्रेक होने के बाद ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और ये
डे लो क्लोजिंग के पहले हमें एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे मिल रहा है ओके, इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन भी मिला। उसके बाद देखो हमारा टारगेट जो था हमारा होना चाहिए, पहला तो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास सेलिंग मिली, यहाँ पे मैंने सेल करा, चलो ज़्यादा पॉइंट नहीं लेकिन 100 पॉइंट तो हमें यहाँ से मिले लगभग, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करता हूँ यहाँ से लगभग 100 पॉइंट हमें मिल गए ओके, वेरी हैप्पी। उसके बाद हमें एक फ्रेश सेलिंग यहाँ पे इसके नीचे मिली, यहाँ पे फिर से एंट्री बनाते हैं। अगर ये डे लो के नीचे देखो ग्रीन, ये रेड कैंडल से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है ओके, रेड कैंडल से ही पता चला होगा हमें क्या होने वाला है। अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं लिया, सोचो आपने यहाँ एंट्री नहीं लिया तो आपके पास दोबारा ऑप्शन बनता है इस शूटिंग स्टार के आसपास एंट्री लेने का। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, उसके बाद हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा वो स्विंग लो का, जो हमारा ये वाला जो यहाँ पे मैंने एग्जिट करा, फिर दो तीन ट्रेड हमें मिले थे। अगर आप यहाँ से ही लेकर के बड़े बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट लेने, उसके बाद हमें उसी के अनुसार अपना पोजीशन बिल्ड करना है। उसके बाद मैंने बताया था कि 42,940 से 960 के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ओके। और हमारा जो आप देखो यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना, हैमर बना, उसके बाद वाले कैंडल डोजी बना, डोजी के इनसाइड कैंडल मिला, इनसाइड कैंडल का फिर ब्रेकआउट भी नहीं मिला हमें ठीक है, फिर से इनसाइड कैंडल, उसके बाद देखो एक नीचे क्लोजिंग मिली हमें। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिली तो हमें एंट्री, अगर देखो तो इसमें हमारी एंट्री लेट हो चुकी थी क्योंकि जो नियरेस्ट पहले ही कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का 42,940 से आ गया कहाँ तक, 42,700 मतलब 200 पॉइंट का हमें यहाँ पे रैली मिल गया पहले ही कैंडल में। तो यहाँ पे तो एंट्री लेंगे नहीं, हमें वेट करेंगे इसको एक रिटेस्ट करने का इस जोन का, और दो कैंडल में यहाँ पे 42,370 के आसपास आ गया ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो लेजिटमेटली यहाँ पे एंट्री नहीं लेता ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ नहीं बन रही थी, लेकिन जो दोबारा रिटेस्ट किया इस जोन को आसपास यहाँ पे 2:40 के आसपास, तो यहाँ पे मैं जरूर एंट्री बनाता ये रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से फ्रेश सेलिंग आई है, ऊपर का यहाँ का स्टॉप लॉस रखता थोड़ा सा यहाँ से 30-40 पॉइंट, यहाँ पे मैं एंट्री बनाता और हमें हमारा जो टारगेट था 42,600 के आसपास यहाँ पे ये आ चुका है। अब कल मार्केट गैप अप खुले इसके पास आए तो एंट्री बनाएंगे, या फिर कोई 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करे तो एंट्री बनाएंगे। हमारा छोटा छोटा टारगेट 100-100 पॉइंट कर करके रखेंगे, और जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 41,500 से लेके 41,800 यहाँ के जून के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन देखना चाहेंगे मार्केट में ओके। निफ्टी में अब हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 43,500, पहला तो 43,500, दूसरा मेरे लिए 42,950 और 43,000 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा ओके। तो यहाँ के आसपास दिखता है तो हमें एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, या फिर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न कुछ देखो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 1-2-3 यहाँ पे डब्लू पैटर्न का अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर सोचो मार्केट कल यहाँ पे गैप अप खोले, यहाँ पे कंसोलिडेट कर, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन ने 4-5 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेट कर, उसके बाद ब्रेकआउट मिले तो ऊपर की ओर यहाँ पे हम पोजिशन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में ओके। ये रहा हमारा इंडेक्स का ओवरव्यू आज के लिए, और कुछ स्टॉक्स जो हम कल ट्रेड करने वाले थे उसका मैं पहले बताता हूँ। SRF में मैंने छूट गया था हमारा, तो SRF अगर आज देखो तो SRF ने आज अपनी टारगेट दी है इसकी 5 मिनट की, हमें देख लेते हैं ऊपर की जो हमारी टारगेट थी SRF में हमें मिल चुके हैं, उसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं देखना। लेकिन हाँ अगर देखो डेली टाइम फ्रेम पे ओके, SRF गैप अप खुला अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, मैंने बोला था 2325 के ऊपर बाय करने, ये कल की नहीं इसके पीछे प्रीवियस डे की है, कल तो हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई थी एंट्रीज में, और हमारा जो टारगेट था 2345 का वो हमें मिल गया, फिर इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग मिली और फिर आके ये यही जोन के आसपास ये क्लोज हो रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें ये इनसाइड कैंडल का जो था हमें एक ब्रेकआउट मिला पर ये सस्टेन नहीं किया, लेकिन इसमें फिर से यहाँ पे लॉन्ग एंट्री की देखेंगे, नहीं तो फिर हमारी जो फ्रेश एंट्री होगी 2223 के आसपास 30 के आसपास यहाँ पे इसमें देखेंगे। बाकी हमारे स्टॉक्स जो थे ट्रेड करने के लिए टाटा मोटर्स ने हमारा दोनों टारगेट को दिया ओके। टाटा मोटर्स को आप देखो मैंने बोला था कि 408 के नीचे शॉर्ट करना है, हमारा पहला टारगेट 405 और दूसरा 402 का होगा, वो हमारा दोनों टारगेट इसमें टाटा मोटर्स में मिल गया फुली। और दूसरा स्टॉक्स हमारे पास था UPL में मैंने क्या बोला था, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाऊं तो देखो क्या बोलता, मैं सेलिंग की साइड में था क्योंकि मैं सेलिंग के साइड में था UPL में बताओ मैंने क्या बोला था, हमें इसके नीचे सेल करना है 749 के नीचे सेल करना है, अगर बाइंग करना है तो इसके ऊपर गैप अप खुलने के बाद जो उनको रिटेस्ट किया, उसके बाद हमारा अप्रोक्स टारगेट तो इसमें नहीं मिला, लेकिन हाँ एक अच्छी मूव मिली जो कि अगर ट्रेड किया होता तो हमारा पहला टारगेट इसमें अचीवेबल था, वो हमें मिल गया इसमें SRF में ओके। UPL में मेरा पहला टारगेट मिला, अगर बाइंग के साइड बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में मैं शॉर्टिंग के साइड था, शायद ज़्यादा शॉर्टिंग के साइड था, ये हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई इसमें ओके। देखते हैं आज का एंट्री ट्रिगर हमारी नहीं हुई, एंट्री ट्रिगर होती तो फिर यहाँ पे हम कुछ देखते
पे हमारी एंट्री ट्रिगर इसमें नहीं हुई। तो चलो दो स्टॉक्स हमारा हिट हुआ और दोनों में टारगेट। आज के लिए हमारे पास इंट्राडे स्टॉक्स कोई है नहीं, पर मैं बता देता हूँ आपको बैंकिंग स्टॉक्स देखना चाहिए लाइक के HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर आप देखो तो HDFC बैंक हम ये एक ट्रेंड लाइन का रिवर्स, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ओके, HDFC बैंक आप अगर चेक करो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर कल इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें ऊपर की साइड में तो यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, या फिर नीचे की साइड में हमें इसका अगर हमें ब्रेक डाउन मिलता है तो फिर हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। HDFC बैंक में हमारा शॉर्टिंग का पोजीशन होगा, कब बाय कब करेंगे, जब ये 1621 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 1625 और दूसरा 1631। उतनी बड़ी टारगेट तो मैं नहीं मिल सकती है इसमें जो मुझे दिख रहा है, तो आप 1628 के पास इसकी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो HDFC बैंक में। नीचे की साइड में आपके पास तभी शॉर्ट करेंगे जब ये 1613 के नीचे जाता है। हमारा पहला टारगेट होगा 1609 चार पॉइंट का, और दूसरा टारगेट 1609 और 4 1605 का। ठीक है, तो यहाँ तक का हम टारगेट इसमें एज्यूम कर सकते हैं, इतना टारगेट हमें एज्यूम कर सकते हैं HDFC बैंक में। उसके नीचे अगर मिलता है तो फिर हमें ये 1602 तक का भी टारगेट में HDFC बैंक में दिखेगा। यही आपके लिए मेरा इंट्राडे स्टॉक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स।